आज मेन दिवाली भाई, और यहाँ देखो क्या भीड़ है, एकदम तगड़ी वाली। मैं आपको पूरा व्यू देने की कोशिश करता हूँ, बाकी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा भाई। बहुत भयंकर वाली भीड़ है, और इधर देखो बगल में क्या प्यारे प्यारे सामान बिक रहे हैं। इस दिवाली मोस्ट ऑफ ट्राई करना है यार कि जहाँ तक हो सके इन लोगों से सामान खरीदे जो दुकान इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि इन्हें एक्चुअल में इन चीजों की जरूरत होती है ताकि ये सेल कर पाए कुछ यार। बिकॉज इनका धंधा बहुत सालों से बंद था, ऐसे त्योहार खत्म हो गए थे कोरोना के चक्कर में लगे हैं, तो प्लीज सामान इन्हीं से ले, ज्यादातर ट्राई करें। यहाँ पे देखो इस टाइप से बैरिकेड लगा दिए ताकि फोर व्हीलर अंदर नहीं आ पाए, और फोर व्हीलर अंदर आ गई ना एक भी तो गलती से भी अंदर आई ना तो इतना तगड़ा वाला जाम लगेगा। तो अच्छा भाई फोर व्हीलर को अलाउ नहीं कर रखा, नो एंट्री। ये प्रसाद वगैरह मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा सामान करके लेके जाऊंगा। फिलहाल तो यार मैंने एक चप्पल ली है, अब एक और चीज ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि इस बार कुछ स्पेशल होने वाला दिवाली में। दिवाली का बम्पर ऑफर भाई, ₹5 पेट्रोल गिर गया। आज मैं आ रहा हूँ बुलेट लेके, टंकी फुल, स्कूटी में टंकी फुल, कार में टंकी फुल, सब में टंकी फुल करता हूँ। दिवाली का महाधमाका ऑफर भाई, पेट्रोल ₹6 सस्ता हो गया है आज। अब पता नहीं सिर्फ आज के लिए कि कब के लिए, लेकिन आज में पेट्रोल ₹6 सस्ता हो गया। ऐसा करके 2-3 बार सस्ता कर देना भाई, बहुत महंगा हो रहा। मैं तो भाई घर जाते ही मेरी दोनों गाड़ी में फुल कराऊंगा आज टंकी। लो भाई दिवाली की पहली शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, इतने सारे गन्ने, हालत खराब होने वाली है क्योंकि इनको लेके जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बाइक पे इनको लेके जाना बहुत बड़ा चैलेंज है सच में, ऊपर से सारे गन्ने टेढ़े हो रहे हैं। ये देखो गन्ना किस हिसाब से, कोई तो एक्स बन रहा है, कोई सीधा डंडा है, कोई वाई बन रहा है। हालत खराब होने वाली ड्राइवर की, और जो पकड़ने वाला उसकी भी पूरी हालत खराब होगी। यहाँ से हमने गन्ने लिए भाई, क्योंकि सुबह सुबह गन्ने मिल जाते हैं, शाम को गन्ने खत्म हो जाते हैं। एक बार मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं जल्दी गन्ने लेके जा रहा हूँ। इतने सारे दिए आज भाई, और इतने सारे फूल, ये सब आज भगवानों पे सजाने वाले हैं। इसका मतलब है कि बड़ी दिवाली के दिन 4 चांद लग जाने वाले हैं। सो यार फिलहाल तो सच बता रहा हूँ, मार्केट का व्यू देख के रियली फील हो रहा है कि हाँ भाई हिंदुस्तान का कोई बड़ा त्यौहार आया, क्योंकि कोरोना ने 2 साल से जो मत मार रखी थी ना, कुछ भी सेलिब्रेट करने का नहीं हो रहा था, इस साल जम के करेंगे सेलिब्रेट। हेलो गाइस, तो सबसे पहले आज आप लोगों को भाई दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो दिवाली के इस महापर्व में? दुआ करता हूं कि सब सही रहो, खुशहाल रहो, सदा खुशी रहो, और मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहो। अगली दिवाली में जब मैं आपको बोलूं हैप्पी दिवाली, तो तब मेरे चैनल पे कुछ ऐसा करिश्मा हो जाना चाहिए, लाइक 1 मिलियन ऐसे तो कुछ हो जाए तो मजा आए। तो कैसे हो आप लोग, सब ठीक ही हो? मैं भी ठीक हूँ यार। फिलहाल तो देखो यार रेस्ट चल रहा है, फिर थोड़ा 1-8 घंटे बाद जाएंगे मार्केट, खरीदारी भी बहुत है आज दिवाली की, मिठाई पटाखे वगैरह बहुत सारी खरीदारी है। दिवाली मतलब खर्चे का घर, लेकिन सबसे फेवरेट त्यौहार है दिवाली यार, मजा आता है दिवाली में, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपनापन है बिल्कुल। तो यार अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट जाना। मार्केट आना पड़ा भाई खरीदारी करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं सिर्फ मिठाई फल फ्रूट वगैरह लेके जाऊंगा, बाकी सब सामान पंकज लेके जाने वाला, जैसे कि पटाखे वगैरह। टंकी में तेल भरवा लिया क्योंकि मैंने जैसा सुबह बता दिया था कि भाई पेट्रोल ₹5 सस्ता हो गया, दिवाली का बम्पर ऑफर है तो पेट्रोल भरवाना तो बनता ही है भाई। तगड़ी वाली हालत खराब हो गई है भाई, और ये गाय माता बीच में कहाँ से आ गई, बिल्कुल जगह नहीं है। एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही है और इसी तरफ से गाड़ियाँ भी आ रही है, बहुत कंजेस्टेड हो गया। मगर कोई नहीं, सिर्फ आज की बात हो रही है, कल से तो पूरा बाजार फिर से खाली हो जाएगा। आज देखो पूरे मार्केट में भीड़ है सिवाय मंडी को छोड़ के, मंडी खाली हो गई है, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग सब घर चले गए दिवाली मनाने के लिए, बहुत सारे स्टॉल तो आज लगे ही नहीं है। अंकल खीरा कैसे? 40 रुपए किलो। 1 किलो कर दो फिर एक काम को। भीड़ इस कदर वाली है कि गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ी करनी पड़ रही है। मेरे को सामान लेना था उधर से और मैं पैदल पैदल गया गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास में। ठीक है पवन, ये ले, अब अपन को डायरेक्ट मिठाई लेनी और निकलना। फाइनली पटाखों की शॉपिंग भी हो गई है। पवन पटाखे दिखा कितने सारे, कितने सारे फटाखे लिए हमने। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे फटाखे फोड़ने अलाउ है, इसलिए हमने उसको मद्देनजर रखते हुए फटाखे भी हिसाब से लिए। बाकी बच्चों के लिए भरपूर पटाखे लिए, कल तक फोड़ सकते हो आराम से। अब भाई एक चीज और लेना, पनीर, और उसके बाद जाना है घर, क्योंकि गाड़ी की धुलाई बहुत जरूरी है यार। और जिस हिसाब से यहाँ डस्ट उड़ रही है ना, लग रहा है कि इमीडिएट जाके गाड़ी के साथ साथ हमको भी धुलना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत तगड़ी वाली डस्ट उड़ रही है। ये मेरी बुलेट खड़ी है, वो स्कूटी खड़ी है, और ये सतेंद्र की पल्सर खड़ी है। मार्केट की खरीदारी हुई खत्म, अब चलो गाड़ी धोने के लिए, क्योंकि यार गाड़ियों का पूजन होगा। एक गाड़ी ये रही, एक मार्केट गई हुई है, और एक यहाँ खड़ी है, तो आई थिंक सो ये नहीं धुलेगी, ऑलरेडी धुल चुकी है। तो एक ये और एक जो मार्केट गई वो धोना पड़ेगा। चलो भाई तैयार हो गया हूँ दिवाली पूजन के लिए। मालूम है पुराना वाला कपड़ा पहन लिया, लेकिन एक चीज नहीं पहनी भाई, देखो बता देता हूँ, चप्पल। एक्चुअली क्या है ना यार, बच्चों के शौक पूरे करते करते खुद के शौक अधूरे रह गए,
अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बच्चे नए कपड़ा पहन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा क्या, हम तो चले गए, हम लोगों की उम्र अब बचपना खत्म है, अब बड़े लोग तो ऐसे ही कपड़े पहनते ना। चलो सबको पटाखे बांट दिया जाए, लक्ष्मी पूजन कर दिया जाए और पेट पूजा भी कर लिया जाए। चलो भाई दिवाली का हो गया रौनक स्टार्ट, सब देखो जमजमा के तैयार हो गया। मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड है फिलहाल तो, और थोड़ी देर में स्टार्ट होगी लक्ष्मी पूजन भी, तो वो भी हम आपको थोड़ा बहुत दिखाई देंगे। तो यार अब स्टार्ट हो गई है हमारी लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा हम देखो भाई, हमने इंतजाम किया है हैलोजन का, क्योंकि थोड़ी लाइटिंग ज्यादा चाहिए, ये सब तो फीके पड़ गए इसके सामने। फाइनली यार खत्म हुई लक्ष्मी पूजा, अब थोड़े से पटाखों के साथ रौनक स्टार्ट की जाए। थोड़ा हेलोजन कम कर यार, मेरे चेहरे पे ला रहा पुरते तो, हेलोजन से चेहरा ही जलने लग गया मेरे तो पूरा, क्या करे, गाड़ियों पे रोशनी देनी थी तो हेलोजन भी जरूरी था भाई। यहाँ पे देखो बच्चे लोग पटाखे के लिए कैसे मारा मारी कर रहे। अरे बस बस यार, सब पटाखा तुम्हारा ही है, इतना सारा कौन फोड़ेगा आके, आराम से फोड़ना, इतना लड़ाई मत करो। खुशी होगी क्यों नहीं यार, क्योंकि यार इतना बड़ा त्योहार है, ऑफकोर्स सेलिब्रेट करना इनका हक बनता है। मैं तो कहता हूँ इतना भयंकर सेलिब्रेट करो ना कि जब बड़े हो जाओ ना तो याद रहे, ये सब यादें बड़े में काम आती है, जैसे अभी हमारे काम आ रही है बचपन की यादें। आखिरकार भाई दिवाली खत्म हो गई, चलो अब छठ की तैयारी में लग जाओ। हालत खराब हो गई भाई, कुर्ते में गोबर लग गया थोड़ा सा नीचे, बट दिखा नहीं सकता यहाँ पे लगा हुआ है। कोई नहीं, सुबह सब धुल जाएगा, दीदी के आगे डाल देंगे, दीदी सब धो देगी। दीदी वैसे भी मेरे कपड़े धोती है सिर्फ, उसके अलावा कोई काम नहीं करती, उसके बदले मुझे बहुत सुनाती है। आज दिवाली पे इससे बात नहीं हुई मेरी, इसको मैंने कॉल किया, शायद कहीं बिजी होगा तो इसने फोन नहीं उठाया, मगर जो भी है अभी फिलहाल मुझे नींद आ रही तगड़ी वाली, अभी तो अभी सो जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत मस्त वाली निकली होगी, क्यों ना निकले यार, दो साल बाद इतनी अच्छी दिवाली निकली है कोरोना के बाद। कोरोना तो जैसे अपने हाथ पैर तोड़ देते थे, त्योहार मनाने नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा लगा, रौनक वगैरह सब जितना पहले आता था उतना आने लग गया। सो यार फिलहाल तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली के चलते एक बार मेरे वीडियो को दिल से शेयर करें। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।